हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप ई श्रम कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे डाउनलोड करना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे। इससे पहले का वीडियो में भी हम आपको दिखाए थे कि इस तरह से ई श्रम कार्ड बनता है और डाउनलोड होता है, लेकिन अभी कुछ बदलाव आ गया है, अभी कुछ नया नियम आया है। तो आज की वीडियो में चलिए दिखाते हैं पूरा प्रोसेस आपको किस तरह से ई श्रम कार्ड बनाना है, डाउनलोड करना है। सबसे पहले ये साइट पे आना है, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट ये साइट पे आ जाएंगे। रजिस्टर ऑन ई श्रम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर CSC से लॉगिन करना है तो CSC डिजिटल सेवा पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर टाइमिंग चल रहा है, सेकेंड चल रहा है, उसको जीरो होने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये सेकेंड यहाँ पर चल रहा है, जैसे ही जीरो हो जाएगा तो हम रजिस्टर करेंगे। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए UW रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। कस्टमर का कोई भी एक मोबाइल नंबर यहां पर टाइप करेंगे। कैप्चा कोड यहां पर फिल करेंगे। उसके बाद अपने अनुसार से यहां पर यस या नो पे टिक लगा सकते हैं। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो उस नंबर पे एक OTP चला जाएगा। OTP यहाँ पर डाल देंगे, डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। कस्टमर का आधार नंबर टाइप करेंगे, जिस भी कस्टमर का ई श्रम कार्ड बनाना है उसका आधार नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। फिंगरप्रिंट के माध्यम से बनाना है पर फिंगरप्रिंट सेलेक्ट करेंगे, अगर OTP से बनाना है तो OTP सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देते हैं, हमको फिंगरप्रिंट से बनाना है। आई एग्री पे टिक लगा देंगे। कैप्चर बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे और कस्टमर का फिंगर स्कैन कर लेना है। जैसे ही स्कैन सक्सेसफुल हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको पेज दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैलिडेट पे क्लिक करना, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर से दोबारा हम वैलिडेट पे क्लिक करते हैं, कुछ देर वेट करेंगे। उसके बाद कस्टमर का प्रोफाइल यहाँ पर फिलअप करना है, सारा डिटेल यहाँ पर भरना है। कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और कस्टमर का डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। कस्टमर का पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टाइप करना है, जैसे कस्टमर के पास एक और मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। अगर शादीशुदा है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फादर्स नेम यहाँ पर फिल करेंगे और कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ST है, SC है, OBC है, और ब्लड ग्रुप में कौन सा ब्लड ग्रुप है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई भी ब्लड ग्रुप याद नहीं है कस्टमर को, नन पे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल अटैच करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर फाइल अटैच करना, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो अपलोड नहीं भी करेंगे तो भी आपका ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कस्टमर अगर विकलांग है तो यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन दिया हुआ है, यस पे क्लिक करेंगे विकलांग है तो, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। किस टाइप का विकलांग है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फिजिकल है या मेंटल है, किस टाइप का है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर किसके द्वारा हैंडीकैप है, यहाँ पर पैर से है, लेग
या हैंड से है, किसके द्वारा हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब नॉमिनी का डिटेल्स यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, नॉमिनी का डिटेल्स यहाँ पर भरना है। तो जिसे भी नॉमिनी रखना चाहते हैं नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद क्या रिलेशन है वो, नॉमिनी का एड्रेस और नॉमिनी का मोबाइल नंबर, ये सारा डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। सारा डिटेल भरने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रेसिडेंटल डिटेल्स यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और स्टेट आईडी अगर नहीं है तो नहीं भरें, कोई दिक्कत नहीं है, इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। करंट एड्रेस यहाँ पर आप भर सकते हैं, अर्बन है, रूलर है, आप यहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एड्रेस है फिल करेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। जो कस्टमर का ई श्रम कार्ड बन रहा है वो कस्टमर का एड्रेस का डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर करेंट लोकेशन में कितना दिन से वो रह रहा, कितने साल से रह रहा, वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है, जो भी परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर टाइप करेंगे, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिटेल्स भरना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बाद में भी इसे कर सकते हैं। यहाँ पर मंथली इनकम स्लैब आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर कितना इनकम होता है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर डाल भी सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑक्यूपेशन एंड स्किल का डिटेल्स भरना है, कस्टमर क्या क्या काम करता है, क्या पैसा है कस्टमर का, या कोई भी स्किल वाला काम करता है तो यहाँ पर उसका डिटेल्स भरना है। यहाँ पर स्टार मार्क जिसमें लगा हुआ है उसे कंपलसरी यहाँ पर भरना है, तो ये सभी चीज़ आप देख लेंगे। जो ई श्रम कार्ड बनवा रहा हो एग्रीकल्चर है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर यहाँ पर टाइप करेंगे, अगर लेबर है तो लेबर टाइप करेंगे। उसके बाद वो कितना दिन से काम कर रहा है, कितना वर्ष से, वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन यानी कि दूसरा कोई काम है तो वो सेलेक्ट करेंगे, वो फिल करेंगे। अगर कोई भी काम नहीं कर रहा तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स भरना है। जो कस्टमर का ई श्रम कार्ड बन रहा है उसका बैंक अकाउंट, उसका पासबुक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, आईएफएससी कोड, नाम, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक बार सारा डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लेंगे, सही है या गलत है वो डिटेल्स यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे सारा डिटेल्स को। यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है अगर ये सारे डिटेल सही है तो, अगर सही नहीं तो एडिट पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। सारा डिटेल यहाँ पर सही है तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से ये श्रम कार्ड बनके तैयार हो जाता है। आप इसे चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं या तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से ये श्रम कार्ड बना सकते हैं, कोई भी कस्टमर का आप बना सकते हैं। अगर आप एक CSE भी ले हैं तो CSE के माध्यम से बना सकते हैं। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, अगर आपके पास CSE का आईडी नहीं है तो आप किस तरह से ऑनलाइन घर बैठे ही अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें नए नए अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।